हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में आज हम लोग कुछ इस टाइप के रक्षाबंधन के ऊपर फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। जैसा कि गाइस आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, फोटो काफ़ी अमेजिंग सी लग रही है। एंड अपने फोटो को भी गाइस आप लोग सेम टू सेम एडिट करना चाहते हैं तो गाइस एक बार इस वीडियो को फुल वॉच कर लेना एंड उसके बाद आप लोग अपनी फोटो पर भी ट्राई कर सकते हैं। आई होप गाइस आप लोग एडिटिंग अच्छे से सीख जाएंगे एंड अपने फोटो को सेम टू सेम एडिट कर सकेंगे। तो गाइस चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर लेना, क्योंकि चैनल पर एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आती रहती हैं। तो चलिए गाइस बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस इस वाले बैकग्राउंड को पिक्सार्ट ऐप के अंदर सेंड कर लेना है। गाइस पिक्सार्ट ऐप आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल मिल जाएगा, आप लोग इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस चलिए जल्दी से हम लोग अपने बैकग्राउंड को पिक्सार्ट ऐप के अंदर ऐड कर लेते हैं। तो फाइनली गाइस पिक्सार्ट ऐप के अंदर हमारा बैकग्राउंड ऐड हो चुका है। एंड गाइस ऐड होने के बाद गाइस कुछ इस टाइप से इंटरफेस नज़र आएगा। तो सबसे पहले गाइस हम लोग अपने मॉडल को इस बैकग्राउंड पर ऐड करेंगे। तो गाइस ऐड फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड अपने मॉडल की पीएनजी को ऐड कर लेना है। तो चलिए गाइस जल्दी से हम भी अपने मॉडल की पीएनजी को ऐड कर लेते हैं। एंड गाइस इसे ऐड करने के बाद गाइस अपने मॉडल के पीएनजी को कुछ स्टेप से इसके साइज को हल्का सा बड़ा कर लेना है। एंड बड़ा करने के बाद गाइस इसे कुछ स्टेप से बैकग्राउंड पर सेट कर देना है। एंड इतना कुछ करने के बाद गाइस अगेन ऐड फोटो को ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड इस बार एक गर्ल के पीएनजी को ऐड कर लेना है। गाइस इस फोटो में जितने भी पीएनजी को यूज़ करेंगे आपको ऑल पीएनजी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग इजीली डाउनलोड कर लेना। तो गाइस इस पीएनजी को कुछ स्टेप से ऐड कर लिया एंड ऐड करने के बाद गाइस इसे कुछ स्टेप से अपने बैकग्राउंड पर सेट कर देना है। एंड इसे सेट करने के बाद गाइस कुछ हल्का सा अपने मॉडल को भी एडजस्ट कर लेना है कुछ स्टेप से। देन इसे कुछ स्टेप से गाइज मैच कर लेना एंड राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड गाइज अब हम लोग इस बैकग्राउंड पर कुछ आर्टिकल पीएनजी को ऐड करेंगे। गाइज ऐड फोटो को ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड गाइज इस बार इस वाली पीएनजी को ऐड कर लेना है। एंड गाइज इस पीएनजी को गाइज कुछ स्टेप से अपने बैकग्राउंड पर फुल बैकग्राउंड पर सेट कर देना है एंड इसे एक डुप्लीकेट पीएनजी बना लेना है। एंड गाइज इसे फ्लिप रोटेट कर लेना है। देन इसे ऊपर के एरिया में कुछ स्टेप से सेट कर देना है एंड इरेजर पर क्लिक करना है एंड इसे यहाँ से रिमूव कर देना है। देन राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड अगेन राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड फिर से ऐड फोटो को ऑप्शन पर क्लिक करना है। गाइज इस बार हम लोग राखी की पीएनजी को ऐड करेंगे जिसे हम अपने मॉडल के हैंड पर बांधेंगे। तो गाइज इस पीएनजी को कुछ ऐड कर लेना है एंड ऐड करने के बाद गाइज इसे कुछ स्टेप से रोटेट कर लेना एंड इसे मॉडल के हैंड पर सेट कर देना है कुछ स्टेप से। देन इरेजर पर क्लिक करना है एंड इसे कुछ स्टेप से गाइज रिमूव कर देना है। देन गाइज इस वाले भी धागे को रिमूव कर देना है। देन अगेन राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड राइट के ऑप्शन पर अगेन क्लिक कर देना है। देन ऐड फोटो के ऑप्शन पर फिर से क्लिक करना एंड इस बार एक तिलक की पीएनजी को ऐड कर लेना है एंड इस तिलक की पीएनजी को गाइज अपने मॉडल के माथे पर सेट कर देना है कुछ स्टेप पे। एंड फिर से ऐड फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करना एंड इस बार रक्षाबंधन के टेक्स्ट को ऐड कर लेना है। रक्षाबंधन के बहुत बहुत बधाई इस वाले टेक्स्ट को ऐड कर लेना है एंड इस टेक्स्ट को गाइज इस बार यहां पर लगा देना है। देन राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड फिर से ऐड फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड इस बार हम लोग एक शेडो की पीएनजी को ऐड करेंगे जिसे अपने बैकग्राउंड के नीचे के एरिया में सेट करेंगे। तो गाइज ये रहे शेडो की पीएनजी एंड इसे कुछ स्टेप से गाइज बड़ा कर लेना एंड इसे नीचे के एरिया में सेट कर देना है। देन राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो फाइनली गाइज पिक्सार्ट ऐप का वर्क कंप्लीट हो चुका है एंड इस फोटो को गाइज ड्रो टूल पर क्लिक करके सेव टू डिवाइस कर लेना एंड इस फोटो को लाइटरूम मोबाइल के अंदर ओपन कर लेना है। गाइज लाइटरूम मोबाइल के अंदर हम लोग अपने फोटो के कलर करेक्शन करेंगे एंड फोटो के कंप्लीट एडिटिंग करेंगे। तो गाइज आप लोग बने रहिए वीडियो को एंड तक। चलिए जल्दी से गाइज लाइटरूम मोबाइल के अंदर अपने फोटो को ऐड कर लेते हैं। तो फाइनली गाइज लाइटरूम मोबाइल के अंदर हमारी फोटो ऐड हो चुके हैं। तो गाइज यहाँ पर भी आपको कुछ स्टेप से इतने सारे टूल्स मिल जाते हैं। तो गाइज हम लोग अपने फोटो के सबसे पहले लाइटिंग एडजस्ट करेंगे। तो गाइज सन वाले आइकन पर क्लिक करना है एंड इसके शेड को हल्का सा बढ़ा लेना है एंड वाइट को भी बढ़ा लेना है, ब्लैक को हल्का सा कम कर देना है। देन कलर्स पर क्लिक करना है एंड इसके टिंट को गाइज कुछ स्टेप से इतना बढ़ा लेना है 26। देन कलर मिक्सिंग पर क्लिक करना है एंड रेड के ह्यू को गाइज प्लस 24 कर लेना है एंड ऑरेंज कलर की सैचुरेशन को हल्का सा माइनस एंड इसके लुमिनस को हल्का सा बढ़ा लेना है। देन पिंक कलर पर क्लिक करना है एंड इसके ह्यू को प्लस साइड कर लेना है एंड ब्लू कलर पर क्लिक करना है एंड इसके ह्यू को हल्का सा माइनस एंड इसके लुमिनस को भी बढ़ा देना है एंड एक्वा कलर पर क्लिक करना है, इसके ह्यू को माइनस साइड एंड इसके लुमिनस को बढ़ा देना है।
देन डन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड इफेक्ट पर क्लिक करना है, डिटेक्सर को बढ़ाना है, क्लैरिटी को भी हल्का सा बढ़ा लेना है, विग्नेट को हल्का सा माइनस कर लेना है 26 एंड डिटेल पर क्लिक करना है, इसके शार्पन को बढ़ा लेना है, नॉइज रिडक्शन को भी बढ़ा लेना है। तो फाइनली गाइस लाइटरूम मोबाइल के अंदर हमारी फोटो कंप्लीट एडिट हो चुकी है। गाइस आप लोग बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हैं। आई होप गाइस आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो गाइस जल्दी से कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आते रहती हैं। तो चलिए गाइस मिलते हैं आपको ऐसे किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। रक्षाबंधन से रिलेटेड हमने और भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर रखी हैं, जाके आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस इस फोटो को शेयर के आइकन पर क्लिक करके सेव टू डिवाइस कर लेना है।